कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त में गैंगस्टर, सात समंदर पार पहुंची पुलिस की तफ्तीश, अजरबैजान से पकड़ा गया सचिन बिश्नोई, मूसेवाला मर्डर में वांटेड था सचिन बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के सिलसिले में अब पुलिस की जांच हदों से आगे बढ़कर सात समंदर पार पहुंच गई है। तभी तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर में मोस्ट वांटेड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई एशिया और यूरोप की सीमा पर बसे देश अजरबैजान में पकड़ा गया। सचिन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, वो भी मूसेवाला हत्याकांड में नामजद आरोपी है। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दायर की। 25 अगस्त को दायर की 1850 पन्नों की चार्जशीट। चार्जशीट में 36 आरोपियों में से 24 के नाम। चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड बताया गया है। हत्याकांड में गोल्डी बराड, लिपिन नेहरा, सचिन थापर और अनमोल बिश्नोई का नाम भी शामिल है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई की शाम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर आई थी। पंजाब पुलिस 29 मई को मानसा जिले में हुए मर्डर के बाद जैसे तैसे दिल्ली और दिल्ली से होते हुए मुंबई और पुणे समेत हिंदुस्तान के 6 राज्यों तक पहुंच सकी थी, लेकिन अब पंजाब पुलिस की जांच हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंचने लगी है। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। सबसे पहले इस सिलसिले में कनाडा का नाम सामने आया तो जांच की एक सुई भारत से कनाडा की तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि इस मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ साथियों का संपर्क इंग्लैंड में छुपे बैठे कुछ गैंगस्टर से भी है, तो जांच के लिए पुलिस ने इंग्लैंड को राडार पर लिया। लेकिन तभी खबर लगी कि मास्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भारत से भागकर दुबई में जाकर छुप गया है, लिहाजा जांच के दायरे में दुबई भी आ गया। इसी बीच सबसे ताजा खबर ये आई कि लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई अजरबैजान से पकड़ा गया। जाहिर है कि जांच का एक सिरा यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे इस पूर्व सोवियत देश तक पहुंच रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि जो अनमोल बिश्नोई अभी तक दुबई में छुपा हुआ था, उसके बारे में जांच एजेंसियों को खबर लगी है कि वह अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में कहीं छुपा हुआ है, लिहाजा पुलिस अब उसे पकड़ने के लिए केन्या जाने की तैयारी में है। पुलिस ने सचिन को अजरबैजान से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के सूत्रों की माने तो अब लिपिन नेहरा, अनमोल और गोल्डी बराड पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गोल्डी के खिलाफ तो पंजाब पुलिस पहले ही इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा चुकी है। जाहिर है सचिन की गिरफ्तारी से अब पंजाब के गैंगस्टरों का हौसला टूटेगा भी, और यही पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी चाल भी है।